सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो वायरल होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब ऐसी वीडियो आस्था और अंधविश्वास की दूरी को खत्म कर दे तो समाज के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जबलपुर से, जहां एक मानसिक रोगी महिला को लोगों ने नर्मदा देवी मान लिया और उसके दर्शन के लिए नर्मदा घाट पर आने लगे। रिपोर्ट आप देखिए। आस्था और अंधविश्वास लोगों में कितना है, इसका जीता जागता गवाह सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो है, जिसमें एक महिला पानी पर चल रही है। हालांकि इसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि ये कैसे संभव है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। ये तो सोशल मीडिया पर फैलाया एक भ्रामक वीडियो है, जिसे देखकर लोग अंधविश्वासी हो गए और महिला को देवी का स्वरूप मानते हुए उसके पीछे चलने लगे। नर्मदा जी में कोई माता जी बुजुर्ग हैं जो पानी में चल के आ रही हैं, तो मैं वही यहाँ देखने आया हूँ। मैं चाहता हूँ मैं भी माता के दर्शन कर लूँ। वैसे तो महिला उथले पानी में चल रही थी, लेकिन वीडियो में बताया गया कि ये नर्मदा देवी हैं जो पानी पर चल रही हैं। फिर क्या था, आस्था और अंधविश्वास का ऐसा खेल शुरू हुआ कि नर्मदा घाट पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी, जो पुलिस प्रशासन के लिए भी परेशानी का सबब बन गयी। सुना है सवेरे से कि नर्मदा मैया आ रही है यहाँ, तो अभी चौकी ताल में रुकी हुई है वो, और अब कितने समय यहाँ पहुँचने वाली है। सुबह से जनता पूरी यहाँ बैठी हुई है। अंधविश्वास की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अपनी अभिरक्षा में लिया। जब महिला से इस बाबत पूछा गया तो उसने कहा कि पानी कम होने की वजह से वो पानी पर चल रही थी, ये कोई चमत्कार नहीं है। कोई सिद्धि नहीं है, कुछ नहीं है बेटा। मेरा तो रास्ता निकलने को है ही नहीं है, तो पानी में कूद जाती हूँ। जैसे कमर है तो उसमें कूद के निकल जाती हूँ, जहाँ तक बाड़ियाँ लगी पानी में चल। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं, मैं तो ऐसे थोड़े बहुत पानी में चल लेते हैं। महिला ने अपना नाम ज्योति बाई रघुवंशी बताया, जो नर्मदापुरम के पिपलिया के निवासी है और घर पर बिना बताए माँ नर्मदा की परिक्रमा के लिए निकली है। ज्योति रघुवंशी, कल्लू खापा गांव की, पिपलिया तहसील के। माँ कभी तीर्थ मंदिर नहीं गए थे, तो हमने कहा एक बार पर के माँ कल लें, फुर्सत में है तो पैदल चल चलते। हालांकि महिला के बेटे ने मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने को लेकर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसका शिकायत पत्र भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस की टीम ने महिला को सुरक्षित उसके घर पर छोड़ दिया है। लोगों को फैलाया गया कि कुछ चमत्कारिक बातें हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोग श्रद्धा भक्ति में दर्शन के लिए उमड़े। तो ग्वारी घाट में एक मंदिर है, वहाँ पर जिनके बारे में बताया गया था उनके दर्शन करने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। वो नर्मदा परिक्रमा पे निकली थी वो महिला, और अब वो महिला आगे बढ़ गई हैं, भीड़ भी चली गई। इस भ्रामक वीडियो से एक बात तो साफ हो गई है कि बिना सोचे समझे अगर सोशल मीडिया पर विश्वास किया जाए तो हालात ऐसे ही बन जाएंगे जो भ्रम और अंधविश्वास को बढ़ावा देंगे। टीम न्यूज स्टेट भी जनता से ऐसी अफवाहों से बचने की अपील करता है। जबलपुर से दुर्गेश कुमार साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट।